दोस्तों, जब भी हम गोदी एंकर्स के बारे में या गोदी चैनल्स के बारे में कोई खबर बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक सेट पैटर्न है, वो खास चेहरे हैं, 8-10 चेहरे हैं हमारे दिमाग में, वही आते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बिल्कुल अलग चेहरे से मिलवाने जाती हूँ। आप जानते हैं इस चेहरे को दोस्तों, ये प्रतीक त्रिवेदी है और 27 साल का इनको पत्रकारिता का अनुभव है। आज तक में इन्होंने लंबा वक्त गुजारा है। उसके बाद अचानक से इनका एक शो बहुत पॉपुलर हो गया, भैया जी कहें, न्यूज़ 18 में ये शो करते, काफ़ी पॉपुलर शो है। और इनका जो टॉप टिपिकल फॉर्मेट होता है ना, स्टूडियो से शो करना, एंकर स्टूडियो में मेकअप लेके बैठ रहा है और कोट टाई लगा के बैठ रहा है, इनका अलग है फॉर्मेट। ये CP कनॉट प्लेस है ना, दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ इनका सेट लगता है और वहाँ ये भीड़ जुटती है इनके शो में। और ये एक सेट फॉर्मेट से इनका शो नहीं चलता, ये तमाम तरह की डायलॉग बाजी करते हैं और चीखम चिल्ली भी चलती है, एक अलग तरह का, मतलब इनका एक एंकरिंग स्टाइल है जिसे लोगों ने पसंद किया है। और इनके शो का नाम भैया जी कहीं, काफी पसंद किया जाता है शो। लेकिन काम दोस्तों ये वही करते हैं जो बाकी एंकर करते हैं, फॉर्मेट अलग है, काम वही है, एजेंडा वही है। आप जानते हैं मैं किस एजेंडे की बात कर रही हूँ। लेकिन इनके एजेंडे की पोल खोल दी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ऋतु चौधरी ने। दोस्तों, अग्निवीर को डिफेंड करने के लिए मीडिया वाले क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। कल से पहली बार मोदी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना की इतनी तारीफ की कल, कि कल से मीडिया वाले एकदम अग्निपथ 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 किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर भैया जी कहिन में प्रतीक जी ने शो रखा, प्रतीक त्रिवेदी ने मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को बुलाया ऋतु चौधरी, और ऋतु चौधरी ने प्रतीक त्रिवेदी से एक सवाल पूछ लिया कि आपको कितना अनुभव है पत्रकारिता का। तो प्रतीक भाई बोले कि 27 साल का अनुभव है। तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि आपसे अगर कोई कहे कि आपका सपना पत्रकार बनना है, 4 साल आप कीजिए, उसके बाद रिटायर हो जाइए, क्या करेंगे आप। वीडियो शेयर भी किया ऋतु ने, वो लिखती है, सरकार की तरफदारी करते हुए एंकर अग्निवीर योजना को सही ठहराने का काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि आपको 4 साल बाद अगर पत्रकारिता करना छोड़ने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे। कुछ भी मतलब क्या, पकौड़े बेचेंगे या RSS के दफ्तर के बाहर चौकीदार बनेंगे, क्या करेंगे। मतलब जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है वो प्रतीक त्रिवेदी से पूछ रही थी कि आप क्या करेंगे, 27 साल आपको पत्रकारिता में हो गए लेकिन आपसे कहा जाए कि 4 साल पत्रकारिता कीजिए, उसके बाद रिटायर हो जाइए, कुछ और कीजिए, तो आप क्या करेंगे। तो प्रतीक त्रिवेदी ने कहा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। ये कहना आसान होता है, अब मुझे पत्रकारिता में 16 साल हो गए, अब मुझसे कोई कहा जाए पत्रकारिता छोड़ दीजिए, आप ये कर लीजिए, मैं कैसे कुछ भी कर लूँगी। मेरी ज़िंदगी के 16 साल मैंने एक प्रोफेशन को दिए, मैंने 0 से शुरुआत की, मैं उसमें इतना सीखी हूँ, जितना भी सीखी हूँ थोड़ा बहुत, अब मुझसे कहा जाए अब आप कुछ और कर लीजिए, रिटायर हो जाइए, कैसे हो सकता है ये, मतलब ये पॉसिबल कैसे है। तो हमारे देश में 70 साल का आदमी तीसरी बार PM बन सकता है, लेकिन जवान आदमी से कहा जा रहा है अब तुम्हारा काम हो गया, तुम रिटायर हो जाओ, और उस पर जवाब एंकर देते हम कुछ भी करें, कुछ भी नहीं किया जा सकता भाई। कोई एंकर कह रहे मैं कुछ भी कर लूंगा, कैसे आप कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी क्या करेंगे, आपकी नौकरी यहाँ से जाएगी, आप वहाँ नौकरी पा लेंगे, वहाँ से जाएगी नौकरी वहाँ पा लेंगे। अगर आपसे कहा जाए आप टेलीविजन छोड़ दीजिए, आप यूट्यूब में आ जाएंगे, अगर आपसे कहा जाए यूट्यूब पर छोड़ दीजिए, आप इंस्टाग्राम में आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पत्रकारिता छोड़ के मैं कुछ भी कर लूंगा, ये कहना आसान होता है। 27 साल अगर आपने किसी भी फील्ड में दे दिए हैं और फिर ये कहना कि मैं कुछ भी कर लूंगा, इतना आसान नहीं है करना। जिस पर बीतती है ना दोस्तों, वही जानता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।